शिमला में अधिवक्ता राजेंद्र हांडा की कोविड सेंटर में रहस्यमय परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में प्रदेश भर के अधिवक्ताओं ने सवालिया निशान उठाए हैं। हिमाचल प्रदेश बार काउंसिल के सदस्य रोहित कुमार शर्मा ने शिमला में अधिवक्ता राजेंद्र हांडा की कोविड सेंटर में रहस्यमय मौत के ऊपर सवालिया निशान खड़े किए हैं। रोहित शर्मा ने कहा कि अगर इस मामले की निष्पक्ष जांच नहीं की जाती है तो हमीरपुर के अधिवक्ता भी अदालत के कामकाज का बहिष्कार करेंगे। जिला बार एसोसिएशन बिलासपुर के क्रमिक अंचन और उनकी मांगों का समर्थन करते हुए रोहित कुमार शर्मा ने कहा कि स्टेट जिला बार काउंसिल बिलासपुर के साथ है तथा क्रमिक अंचन का समर्थन देते हुए हर जिला में अदालतों का बहिष्कार किया जाना चाहिए, जिसके लिए बहुत जल्द जिला बार एसोसिएशन हमीरपुर इस पर फैसला लेकर अदालत के कामकाज का बहिष्कार करेगी। जिस तरह के तथ्य इस पूरे प्रकरण में सामने आए हैं वे काफी ज्यादा शिमला कोविड सेंटर के अधिकारियों व कर्मचारियों की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े करते हैं कि मृतक का मोबाइल परिजनों को अब तक क्यों नहीं सौंपा गया है और मृतक के चेहरे पर चोट का निशान कैसे आया है, इसकी जांच होनी चाहिए। शर्मा ने कहा कि सरकार को इसके ऊपर गंभीरता से विचार करना चाहिए क्योंकि आए दिन कोविड सेंटर में बेहतर सेवाएं देने का वायदा किया है। देखिए, 2 अक्टूबर को हमारे सीनियर एडवोकेट रेंद्र हांडा जी की मृत्यु कोरोना से शिमला में हुई और शिमला में कोरोना सेंटर में एडमिट थे, जिसकी मृत्यु की जो परिस्थितियां सामने आई हैं वो काफ़ी संदेहास्पद हैं और उस सस्पिशियस डेथ को लेकर के जो उनके बेटे हैं विपुल वांडा हैं, जो खुद एक एडवोकेट हैं, उन्होंने एक कंप्लेंट वहां के लोकल पुलिस स्टेशन शिमला में भी कराई है, जिसकी आज तक कोई भी जुडिशियल या पुलिस इंक्वायरी नहीं हुई है। यहाँ तक कि जो उनकी बिलोंगिंग्स थी डिसीज की, जिसमें उनका मोबाइल खास तौर पर, वो मोबाइल भी आज तक उन्होंने हैंड ओवर उनके रिलेटिव्स को नहीं किया है। तो कोविड सेंटर में जब उनका मोबाइल उनके साथ था, उनका चार्जर उन मोबाइल का साथ में था, वो चार्जर और मोबाइल क्यों वापस नहीं किया गया, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और मैं तो ये कहूँगा कि सरकार की तरफ से जितने भी कोविड सेंटर इस्टेब्लिश किए गए हैं वहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हैं कि वो जो कोविड पेशेंट्स हैं उनकी जो बिलोंगिंग्स हैं उनको कैसे रखेंगे, पेशेंट को कैसे रखेंगे, क्या उनका रखरखाव होगा, कैसे उनकी केयर करनी है। अगर इस तरह की हादसे एक वकील के साथ हो रहे हैं तो आम जनता के साथ कैसे बर्ताव होता होगा, इसका हम कल्पना कर सकते हैं। देखिए, बार एसोसिएशन का बड़ा क्लियर कट स्टैंड है। मैं स्टेट बार काउंसिल के मेंबर होने के नाते ये साफ कर देना चाहता हूँ कि क्योंकि जिला बिलासपुर बार एसोसिएशन का 9वां दिन आज भूख हड़ताल का है, उन्होंने स्टेट कॉल दी है, हम उनको कंधा से कंधा मिलाकर उनके साथ हैं और उनके परिजनों के साथ हैं और जो उनकी डिमांड्स हैं उनको सपोर्ट करते हुए हम भी इसके कमी कंशन पे या उनके साथ स्टेट कॉल को ज्वाइन करेंगे और अदालत का बहिष्कार करेंगे। उन्होंने सोमवार का दिन निश्चित किया है, अगर सोमवार फाइनल होता है तो सोमवार होगा, अगर कोई और वार होगा तब भी हम उस दिन को उनके साथ काम का बहिष्कार करेंगे। इसमें ऐसा है कि जो राजेंद्र हांडा जी हैं वो शिमला में कोविड सेंटर में एडमिट हुए थे और जब वो एडमिट हुए तो उनके जो परिजन हैं उनको उन्होंने बताया कि उनकी ऑक्सीजन लेवल जो है वो इम्प्रूव कर रहा है और 2 बजे के तकरीबन उनके आपस में बात हुई, जिन्होंने कहा कि आपके फादर इम्प्रूव कर रहे हैं, लेकिन उनकी जब 5 बजे शाम को जब वो वहाँ पर उनको सामान देने के लिए गए तो उन्होंने कहा कि उनकी मृत्यु 2 बजे हो चुकी है, जबकि 2 बजे के आसपास उन्होंने खुद एश्योर किया था कि उनकी कंडीशन में इम्प्रूवमेंट हो रही है। और जब उनको डेड बॉडी काफ़ी मशक्कत के बाद हैंडओवर हुई तो उनके चेहरे के ऊपर एक निशान था, जिसकी जांच बहुत ही गंभीरता से की जानी चाहिए कि वो निशान चोट का निशान है तो कैसे आया और कोविड सेंटर में वो चोट का निशान कैसे आया। और तीसरी बात कि उन्होंने जब उनको बॉडी को डिस्चार्ज किया या उन्होंने बॉडी को दिया, उसके बाद जो उनका मोबाइल उनके पास था उस मोबाइल को उन्होंने क्यों नहीं हैंडओवर किया। तीसरी बात कि अगर उनकी डेथ कोरोना से हुई है और उनकी सेहत में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही थी, ऑक्सीजन लेवल नीचे जा रहा था, तो उनके पेशेंट उनके परिवार वालों को गलत इन्फॉर्मेशन क्यों दी गई 2 बजे, जब उनकी आपस में बात, उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि उनकी कंडीशन जो है इम्प्रूव कर रही है। ये उनकी मिस इन्फॉर्मेशन, मोबाइल का ना देना और चेहरे पर चोट का निशान, ये तीनों बातें जो हैं वो एक तरफ इशारा करती हैं कि इसकी एक निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि इसमें कोई अगर फॉल प्ले हुआ है तो उसकी इमीडिएट आप इंक्वायरी करिए। मैं भी और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन बिलासपुर भी यही कहती है कि इसकी एक संपूर्ण और न्यायिक जांच होनी चाहिए, जिसका हम पूरा समर्थन करते हैं। उसके लिए मैं विपुल हांडा और जिला बार एसोसिएशन बिलासपुर के साथ हम खड़े हैं और हम इस मांग को जिस भी फोरम में उठाना होगा हम उसको उठाएंगे और उनको बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के साथ देंगे। थैंक यू।